नमस्ते बच्चों, मेरा नाम श्रीति रॉय है। आज मैं आपको बड़े ही सरल तरीके से संस्कृत में आने वाली कठिनाइयों को हम अपनी प्रत्येक कक्षा में हल करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको आज से संस्कृत पढ़ाने की अपनी पूरी पूरी प्रयास करूंगी अच्छे तरीके से। चलो बच्चों, सबसे पहले अपन चलते हैं, अपन पढ़ते हैं इसका लकार। लकार में हम क्या देखते हैं कि जो लकार होता है वो टोटल 5 प्रकार का होता है। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधि लंग लकार, लोट लकार। ये जो चारों लकार होता है उसमें हमें एक चीज देखने में बड़ा कॉमन मिलता है, वो क्या होता है? पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब बच्चे सोचते हैं कि ये जो पुरुष है इनका एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जो प्रत्येक पुरुष हमें देखने को मिलता है हमारे धातु रूपाणी में संस्कृत के, उसका अर्थ क्या होता है, उसमें आता क्या है। सबसे पहले बच्चों अपन चलते हैं पढ़ने के लिए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब आपका अन्य पुरुष, इसका मतलब होता है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या होता है, जैसे कि हम हिंदी में देखते हैं अन्य पुरुष मतलब होता है कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करना, उसी प्रकार इस प्रथम पुरुष में अन्य पुरुष का भी मतलब यही होता है। हम यहाँ किसी तीसरे पुरुष के बारे में बात करेंगे या किसी तीसरे लोग के बारे में बात करेंगे। तो हम कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वह, यह, उसने, इस टाइप की वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो बस इन्हीं वर्ड को अब हम संस्कृत में यूज करेंगे। जैसे कि अपन सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ वह। वह का हम अपन संस्कृत में यूज करते हैं सह, सा या तत्। अब आप बोलेंगे भाई हिंदी में तो हम वह को वही लिखते हैं या संस्कृत में ये 3 अलग-अलग नाम क्यों आ गए हैं? इसका रीजन ये है क्योंकि संस्कृत में अपन 3 लिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला होता है आपका पुल्लिंग, दूसरा आपका होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है आपका नपुंसकलिंग। पुल्लिंग मतलब ये होता है जब आप किसी मेल आदमी के बात करें, ठीक है, किसी पुरुष के बारे में जब आप बात करते हैं तब आपका पुल्लिंग यूज होता है। सेकेंड आता है स्त्रीलिंग, जब आप किसी महिला के बारे में बात करें, किसी स्त्री के बारे में जब बात करते हैं तब आपका यूज होता है स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग मतलब ये होता है जब किसी आप नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करें या ऐसी चीज के बारे में बात करें जो जीवित नहीं है तब आप यूज करते हैं नपुंसक लिंग। इसी लिंग, इन्हीं 3 लिंग के आधार पे आपका वह सह, सा, तत् में डिवाइडेड है। साथ ही साथ आप इसमें वचन के अकॉर्डिंग भी डिवीजन देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग डिवीजन देखेंगे? वचन, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन, आप यहाँ 3 वचनों में भी डिवीजन देखेंगे। यहाँ आपने 2 प्रकार में डिवीजन देखा, क्या? एक तो वह पुरुष में स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में भी डिवाइड होगा, प्लस साथ ही साथ आपका आपका एक वचन, दुई वचन, बहुवचन में भी डिवाइड होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं अब प्रथम पुरुष के वह के बारे में। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? वचन में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ वचन लिखूं, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। दूसरा मैं यहाँ अपना लिंग लिखूंगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब यदि वह पुल्लिंग में है तो यूज होगा सह, वही द्विवचन में है तो यूज होगा तो, और बहुवचन में है तो ते। सह तो ते, सह मतलब वह, वे दोनों, वे सब। उसी तरह स्त्रीलिंग में यूज होता है साह, ते, ताह, से, वह, वे दोनों, वे सब। नपुंसक लिंग में यूज अपन करते हैं तत्, ते, तानी, मतलब वह, वे दोनों, वे सब। ये पूरा
वह का फॉर्म है। वह अपने पुल्लिंग के अकॉर्डिंग, स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग, नपुंसक लिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग वे पे डिवाइडेड है, प्लस उनके वचन के भी अकॉर्डिंग वो है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वह हमारे प्रथम पुरुष में आता है, और हमें जब भी आप सेंटेंस बनाते हो संस्कृत में तो हमेशा ये चीज हमें देखना पड़ता है कि जो शब्द है वो किसी पुरुष के लिए यूज हुआ है, किसी स्त्री के यूज हुआ है, या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ है। जब यही चीज आपके पुरुष के लिए यूज होगा तो आप सह यूज करोगे, जब वही चीज आपकी स्त्री के लिए यूज होगा तो सौ सा, और वही जब चीज नपुंसक लिंग के लिए यूज होगा तो तत्। ये चीज आपको क्लियर हुआ? वही आप सेकेंड चीज अपन चलते हैं यह को लेकर। इसी तरह एक और वर्ड आता है यहाँ, यह। अन्य पुरुष में हमें एक चीज और देखने को मिलेगा, वो है यह। यह भी यहाँ तीन फॉर्म पे चलेगा, एषः, एषा और एतद्। एषः पुल्लिंग में चलता है, वही द्विवचन में एषः पुल्लिंग में एतौ बन जाता है, और यहाँ एते। स्त्रीलिंग में ये एषा के फॉर्म पे लिखाता है, एषा, एते, एताः। नपुंसक लिंग में ये एतत्, एते, एतानि। यह दोनों, यह सब। यह, ये दोनों, ये सब। यह, ये दोनों, ये सब। ये पूरा आपका यह का फॉर्म है, जो एषः, एषा, एतत् के फॉर्म पे लिखाता है। पुरुष में एषः, एतौ, एते, स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः, नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि। अब हम बात करते हैं सेकंड पुरुष हमारा जो आता है वो है मध्यम पुरुष, मतलब ऐसा आदमी जो बीच में हो। मान लो बच्चों अपन एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं तीन लोग के बारे में, तीन लोग उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व है, एक जो बोल रहा है, दूसरा जो मेरी बात को सुनेगा, तीसरा हम दोनों मिलके जो तीसरे के बारे में गॉसिप्स करेंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं, अरे यार मैं यहाँ जाऊंगी, वो आदमी जो सुन रहा है या जिससे मैं सवाल करती हूँ, तुम कहाँ जाओगे, और तीसरा जिसके बारे में हम चुगली करें, तुमको पता है वो आदमी मेरी किताब लेकर चला गया। तो हम यहाँ तीसरे के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो तीसरा व्यक्ति था वही यहाँ कौन था, प्रथम पुरुष था। अब मैं जिससे तुम करके बात कर रही हूँ, जो मेरे और उस तीसरे व्यक्ति के बीच का आदमी है, वो यहाँ क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष, अर्थात जो सुन रहा है, अर्थात जो कि श्रोता है। सुनने वाले को ही शायद हम श्रोता बोलते हैं, हम यहाँ श्रोता के बारे में बात करेंगे या सुनने वाले के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपन मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष में हम तुम के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, तुम। अब बेटा यहाँ एक चीज याद रखना, यहाँ बच्चों हमें ना ये प्रथम पुरुष जैसे बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, अरे कि पुल्लिंग में चेंज हो जाएगा, नपुंसक लिंग में चेंज हो जाएगा, स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये जो तुम है वो सामान्य रूप से आपके पुल्लिंग में भी यूज होगा, आपके स्त्रीलिंग में भी यूज होगा, आपके नपुंसक लिंग में भी यूज होगा। मतलब यहाँ पुल्लिंग सामान्य रूप से हमारे तीनों लिंग में यूज होगा, बट सामान्य रूप से वचन में यूज नहीं होगा। इसके लिए हमें अलग अलग तरीके से वचनों के लिए पढ़ना पड़ेगा, ना ही लिंग के लिए। सबसे पहले अपन चलते हैं तुम के एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए। तुम जब एक वचन में यूज होता है तब अपन इसे लिखते हैं त्वम, मतलब तुम। जब यही द्विवचन के लिए यूज होता है, द्विवचन मतलब दो लोग, तो दो लोग के लिए जब ये यूज होता है तब हम लिखते हैं युवाम। क्या लिखते हैं हम, युवाम, मतलब इसका अर्थ होता है तुम दोनों। जब यही चीज हम बहुवचन के लिए लिखते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए लिखेंगे, तब अपन ये लिखते हैं यूयम, मतलब तुम सब। ये तो बहु मध्यम पुरुष की बात हो गई। अब
इसी तरह अब हमारा आता है उत्तम पुरुष। मैंने अभी बोला था कि जब कन्वर्सेशन में बीच के आदमी के लिए बात हुईगी तो मध्यम, जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होगी तो आपका प्रथम, और जब खुद के बारे में ही बात हो या वक्ता के बारे में बात हो, मतलब अर्थात जो बोल रहा है उसके बारे में बात हो, तो आता है उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष आता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में चलते हैं। उत्तम पुरुष में हम यूज करते हैं मैं या हम। किसका यूज करेंगे अपन यहाँ? मैं या हम का। अब सबको पता है जब एक व्यक्ति के बारे में यूज होता है तब मैं का यूज होता है एक व्यक्ति के लिए, जब हम के बारे में यूज होता है तो ये बहुवचन। जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगी, तो कितने व्यक्ति के बारे में बात हुआ? एक। तो मैं यहाँ अपन किस में देखेंगे? एकवचन में। हम सब स्कूल जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो ये बहुवचन के लिए यूज हुआ है। तो मैं यहाँ, सॉरी, हम यहाँ बहुवचन के लिए यूज होगा। सबसे पहले अपन यहाँ यूज करेंगे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में मैं का। मैं जब एकवचन में यूज होता है तो वहां हम लिखते हैं अहम, मतलब मैं। जब हम द्विवचन में लिखते हैं तो अपन यूज करते हैं यहाँ आवाम, मतलब हम दोनों। जब वही चीज हम बहुवचन के लिए यूज करते हैं तो अपन यहां लिखते हैं वयम, वयम मतलब हम या हम सब। बच्चों, यहाँ हमने शायद तीनों पुरुष के बारे में देख लिया, उनके अकॉर्डिंग यूज होने वाले अलग अलग वचनों के लिए भी हमने देख लिया, और प्रथम पुरुष को उसके लिंग और वचन दोनों के आधार में हमने देख लिया। हमने क्या देखा कि जो प्रथम पुरुष है वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होता है या अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रहा था, इसीलिए हम उसमें यह और वह ले रहे थे, और यह और वह अपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अपने अपने तरीके से डिवाइड थे, साथ ही साथ तीन वचनों में डिवाइड थे। उसी तरह जब हमने मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ा था, मध्यम पुरुष हमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? बीच वाले आदमी, जो मेरे अन्य पुरुष और वक्ता के बीच वाला होगा, अर्थात श्रोता जो होगा, जो सुनने वाला होगा, उसके बारे में हमने मध्यम पुरुष में देखा था, जिसने हमने तुम का उपयोग किया था। और आपको पता है तुम सामान्य रूप से यूज होता है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में, बट वचन में सामान्य रूप से यूज नहीं होता, इसीलिए हमने उसमें क्या देखा? त्वम, युवाम, यूयम। वहीं जब हमने बात की उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता के बारे में, अर्थात स्वयं के बारे में जब हमने बात की, तो हमने उसमें क्या देखा? उसमें हमने दो चीज का उपयोग किया था, मैं और हम। मैं हम एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, हम बहुत सारे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, इसीलिए उसको भी हमने तीन लिंग में पढ़ा, सॉरी तीन वचनों में पढ़ा था, पुल्लिंग, सॉरी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। इसमें हमने क्या देखा था? जब एक वचन में मैं यूज हुआ था, अहम यूज किए थे हमने, जब द्विवचन में यूज किया था हमने, तब हमने आवाम यूज किया था, जब हमने बहुवचन में यूज किया था तो हमने क्या पढ़ा था? वयम। आज के लिए बच्चों हम इन तीन पुरुषों को ही पढ़ेंगे। अगले हम वीडियो में हमारे इन पुरुषों का यूज लकार में किस प्रकार होता है, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे धातु, क्या क्या विभिन्न प्रकार के हमें धातु देखने को मिलते हैं संस्कृत में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि धाव धातु हो गया, जो कि दौड़ने के लिए यूज होता है, पा धातु जो कि पीने के लिए यूज होता है, इस तरह के कुछ धातु हम हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।